पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओ, तुम आ गए। ये दास्तां है गुजरे वक्त की उस अभिनेत्री और गायिका की जिसने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में ही एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था। हम इन्हें कानन देवी के नाम से जानते हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको जवाब देना ही होगा। आप 6 महीने से बराबर नई नई बातें करते चले आ रहे हैं और अब इस नफरत ज्यादा खेल को अच्छा बताकर तो बस आपने हद ही कर दी है। इनका जन्म हुआ 22 अप्रैल सन 1916 में, जगह हावड़ा पश्चिम बंगाल। इन्होंने बताया अपनी आत्मकथा सवारे अमी नामी में कि इनके माता पिता रतन चंद्र दास और राजू बाला थे, लेकिन बाद में इनके पिता रतन चंद्र दास का निधन हो गया। और नन्ही सी कानन और इनकी माँ राजू बाला बिल्कुल अकेले रह गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। यह हावड़ा के सेंट एग्निस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। जहाँ पर किस्मत एक दरवाजा बंद करती है वहीं पर दूसरा दरवाजा खोल भी देती है। ये बहुत छोटी ही थी तब इनके एक शुभचिंतक तुलसी बैनर्जी, जिन्हें ये बड़े प्यार से काका बाबू कहकर पुकारा करती थी, उन्होंने इनका तारुफ करवाया मदन थिएटर से। बस अब इसी रास्ते से सीधे कलकत्ते पहुंच जाएंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिजली बत्तियों वाले थिएटर, तुम नाचोगी हम गाएंगे, लोग चीखेंगे भुलवा भुलवा मंजू मंजू। इनकी उम्र उस वक्त रही होगी कोई 10 बरस और इन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया फिल्म जयदेव में। ये साल था सन 1926। उसके बाद सन 1927 में आई फिल्म शंकराचार्य। उस जमाने में ये कानन बाला के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने मदन थिएटर्स के साथ तकरीबन 5 फिल्मों में काम किया। आप लोगों का थिएटर बहुत बड़ा है ना, बाहर बहुत सी बिजली की बत्तियां हैं, हम लोग बाहर से देख आए हैं। फिर सन 1933 से 1936 तक ये पहुंच गई राधा फिल्म्स में और उसके बाद न्यू थिएटर्स का ये हिस्सा बनी। इन्होंने बतौर बाल कलाकार मूक फिल्मों में काम किया और उसके बाद टॉकी फिल्म्स में इनका अभिनय देखते ही बनता था। 1931 की फिल्म जोरे बारात, खूनी कौन और माँ। जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं चाहते, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहती, अगर इस मुसीबत से मुझे कोई छुटकारा देने वाला है तो यही। ये बात भी गौर करने लायक है कि न्यू थिएटर्स के पीसी बरुआ जब फिल्म देवदास बना रहे थे तब उनकी इच्छा थी कि कानन बाला उनकी फिल्म का मुख्य किरदार निभाए, लेकिन चूंकि राधा फिल्म्स के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था लिहाजा ये पीसी बरुआ के साथ काम ना कर सकी। और आगे जाकर न्यू थिएटर्स के ही बीरेन सरकार ने इन्हें बना दिया एक बहुत ही मशहूर गायिका और अभिनेत्री। अच्छा पिताजी, आप मेरे गाने की कितनी तारीफ करते थे। लोग इनकी अभिनय के दीवाने थे, इनकी आवाज का जादू सर चढ़ के बोलता था। ये 30 की दहाई की बात है जब इन्होंने मकबूलियत हासिल कर ली। अगर आप ऐसा गाना बनाकर पेश करेंगे तो सर जानिए स्कूल बहुत अच्छा चलेगा और हम सबका भी बहुत नाम होगा। अपने वक्त के बहुत बड़े संगीतकार रायचंद बोरल के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। बोरल साहब ने इन्हें सिखाया भी और इनका हिंदी का उच्चारण भी दुरुस्त किया। आगे जाकर भीष्म देव चैटर्जी से भी इन्होंने संगीत की शिक्षा ली और अनादि दस्तीदार से इन्होंने रविंद्र संगीत भी सीखा। आप ये रिकॉर्ड तो सुनिए प्रिंसिपल, नहीं नहीं, बड़े मीठे मीठे प्यारे बोल हैं। सन 1941 के बाद इन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा दोनों में ही काम करना शुरू किया। उस जमाने के सुपरस्टार केएल सहगल और पंकज मलिक के साथ इनकी जोड़ी जमी तो प्रमथेश बरुआ, पहाड़ी सान्याल और छवि बिश्वास और अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों की संगत भी इन्हें मिली। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? ओ मैं नहीं, मैं आपके पीछे पीछे नहीं आ रहा। बेशक, अगर आपको ऐसी माफी मांगनी है तो आप मेरे पिताजी के पास जाइए, मुझसे क्या वास्ता। ये बात भी गौर करने लायक है कि आगे जाकर कानन देवी एक प्रोड्यूसर भी बनी, जहाँ पे इन्होंने फिल्म बनाई अनन्या। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ अशोक मैत्रा से। साल रहा सन 1940। इन दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन आगे जाकर इनकी शादी की बहुत आलोचना की गई, क्योंकि अशोक मैत्रा ब्रह्मो समाज से जुड़े हिरंबर चंद्र मैत्रा के बेटे थे और ये वो जमाना था जब प्रेम विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। बिल्कुल गलत, ये मैं हरगिज नहीं मान सकती। सन 1945 में इन्होंने तलाक ले लिया। उसके बाद इनकी शादी हुई हरिदास भट्टाचार्य जी से। ये साल रहा सन 1949। हरिदास भट्टाचार्य जी उस जमाने में बंगाल के गवर्नर के ADC हुआ करते थे। धीरे धीरे वो भी कानन देवी के साथ फिल्में बनाने में जुट गए। इनका बेटा हुआ सिद्धार्थ। इन्होंने सिर्फ फिल्मों के लिए ही काम नहीं किया बल्कि महिला शिल्पी महल जैसी संस्थाओं का हिस्सा भी ये रही। वाह,
क्या खूब। इन्हें सन 1968 में पद्मश्री से नवाजा गया और विश्व भारती से इन्हें एक ऑनररी डिग्री भी मिली। सन 1976 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। आज नया तमाशा है, रिहर्सल में ना जाऊं तो त्रिलोक बाबू क्या कहेंगे। इन्हें एक लंबी उम्र भी मिली। 17 जुलाई 1992 में कलकत्ता शहर में ही इनका निधन हो गया। ये तब 76 बरस की थी। पर भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी सिरे से लिखा जाएगा तो कानन देवी का नाम पहली फेरिस्त में यकीनन शामिल होगा। अब वो तुम पहले सी देहाती मंजू नहीं हो, अब तुम शहर की माया नाज एक्ट्रेस हो। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।